हो सकती। बहुत देख लिए इंसाफ, बहुत देख लिए आश्वासन, बहुत देख ली घोषणाएं, अब तो एक काम करना पड़ेगा। इस देश के 40 करोड़ दलितों को उठ खड़ा होना होगा और हल्ला बोलना होगा और अपने अधिकारों को लेने के लिए जान हथेली पे रखकर संघर्ष करना होगा। सबको साथ आना होगा। अलग अलग पड़े रहने से एक एक करके सबको मारा जाएगा, सबका अपमान किया जाएगा, सबको कमजोर किया जाएगा। और अपना अपनी आस्थाएं तो आस्थाएं रखते हैं, वो जंगल में बना लें, कहीं भी बना लें, किसी दूसरी बिल्डिंग बनी हो तो भी उसको अपना बताएं, बताते रहें। और बाकी सबकी आस्थाओं के कोई मायने नहीं है, उसे चाहे जब तोड़ दो, चाहे जब धराशायी कर दो, ऐसा चलने वाला नहीं है। ईमानदार हो तो ये बताओ कि इस देश में जितने मंदिर बने हुए हैं, जितने आश्रम बने हुए हैं, व्हाइट पेपर जारी करो कि सबके जो रजिस्ट्री बेनामे हैं। अगर आप व्हाइट पेपर जारी करके साबित करते हैं तो हम भी मान लेंगे, वरना आप हमारे प्रति बेईमान हो। और ये बेईमानी अब चलने वाली नहीं है। अंत में मैं यही अपील करते हुए कि अब देश का 40 करोड़ दलित एक झंडे के साथ, एक नारे के साथ आगे बढ़कर अपने हकों को, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जय भीम। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।